कृषि कानून के विरोध में किसान संघर्ष समन्वय समिति का देशव्यापी किसान आंदोलन लगातार जारी है। रायपुर में किसान संगठन अध्यक्ष संजय पराते ने बताया है कि हरियाणा में मजदूर किसान नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। दिल्ली में प्रदर्शन करने जा रहे किसानों को रोकने की कोशिशें लगातार जारी हैं। आंसू गैस के गोले और पानी की बौछारों की गई है। हम इसका सख्त विरोध कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के किसान भी प्रतीकात्मक तौर से हिस्सा ले रहे हैं। सरकार के पुतले जलाने का भी फैसला लिया गया है। कृषि कानून वापस लेने, बिजली कानून निरस्त करने, सभी फसलों सब्जियों वनोपजों और पशु उत्पादों का सीचू लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने और खेत मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन और रोजगार गारंटी का कानून बनाने की मांग की जा रही है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार से भी मांग की जा रही है कि केंद्र के कानूनों को निष्प्रभावी किए जाने के लिए पंजाब की तर्ज पर वो एक सर्वसमावेशी कानून बनाए। किसानों को रोकने के लिए लाठियां चलाई जा रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, तो ये जो बर्बरता के साथ किसानों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश हो रही है। एक बात साफ है कि सरकार ने किसानों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है और किसान सड़क पर उतरकर इस युद्ध को लड़ेंगे और जीतेंगे।